नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। राष्ट्र निर्माण में मातृशक्ति की भूमिका कितना सुंदर विषय है। हम सभी माताएं अपने आप में गर्व का अनुभव फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भगवान ने जिम्मेदारी दी है कि हम इस देश में पैदा हुए हैं, जिसकी इतनी पुरानी संस्कृति है, उसको हम पूरी विश्व को कैसे दिखाएं, कैसे जताएं कि देखिए हमारे भारतवर्ष में कितने अच्छे अच्छे योद्धा पैदा हुए हैं और कैसी कला शैली है, शिल्प है, हुनर है। इस सब को हमें विश्व स्तर पर दिखाना, ये हमारा मोटिव होना चाहिए। और ख़ासकर मातृशक्ति का, मातृशक्ति के पास वरदान है क्योंकि उसको एक बच्चा मिलता है जो कि वो गढ़ती है अपने विचारों से, उसकी देखभाल करती है, उससे मोहब्बत करती है, उसे क्या बनाना चाहती है, उसे सबसे पहले देशभक्ति की शिक्षा देनी चाहिए। हमारे देश में कैसे वीरांगनाएं स्त्रियां हुई हैं, इसकी शिक्षा मिलना चाहिए। अगर बेटा हो तो भी उसको वीरांगनाओं को क्या क्या उन्होंने जौहर किए हैं, कितनी परेशानियों को झेला है, एक औरत होके भी किस तरह अपने देश की रक्षा की है, ये बताएं, ताकि जो बालक होगा उसमें भी सम्मान की भावना पैदा हो और कल को वो स्त्री जाति को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए हमेशा मददगार हो। क्योंकि स्त्री को हमेशा एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सपोर्ट इस मायने में क्योंकि पुरुष बलशाली है और उसको कॉन्फिडेंस, हौसला दिलाता है। उसके एक हौसले से हमें लगता है हमें 100 लोगों ने हौसला दिया है। अगर वो हमें हौसला देता है तो हम 100 कदम जा रहे होते हैं तो 1000 कदम चलने की इच्छा होती है, लेकिन अगर वो मना कर दे तो हम मन महसूस कर रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भारत की औरत हैं। शालीनता, मृदुल भाषा, सरलता, शिकायत ना करना, ये सब हमारे पारंपरिक गुणों में है और यह सभ्यता हमारे देश को और हमें महान बनाती है। और इसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए पुरुष जाति का कि वो हमारे इस सम्मान को आगे की तरफ ले जाने के लिए पूरी कोशिश लगा दें। मैं अपनी ही जिंदगी को जैसे सोचती हूँ, जो भी पैदा होता है उसे मालूम नहीं होता है कि वो आगे चलकर क्या बनेगा, ये उसके माता पिता को मालूम हो सकता है क्योंकि वो उसके करीब रहता है, उन्हें मालूम है इस बालिका की किस चीज़ में रुचि है, ये बात करती है, ये नहीं करती है, इसे पेंटिंग पसंद है, इसे डांस पसंद है, इसे सुरों का ज्ञान है, ये वाद्य यंत्र पर फोकस करती है। अगर माँ अपने हस्बैंड को बताए और अच्छा गुरु ढूंढ दे तो उसी समय वो विद्या शुरू हो जाती है और वो 8-10 साल लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति की विद्या बहुत कठिन है, बहुत परिष्कृत है, नंबर 1 पर है पूरे विश्व में, तो टाइम तो लगेगा। तो यह हमारी यहाँ की मात्र जो शक्ति है उसको देखना चाहिए कि जो हमारे नाती पोते हैं या हमारे बच्चे हैं, उन्हें भगवान ने किस हुनर के साथ भेजा है और जिस हुनर के साथ भेजा है उसे हमें आगे बढ़ाना ही हमारी जिम्मेदारी है। और वो हुनर हमारे देश से जुड़ा हुआ होना चाहिए, हमारी संस्कृति से होना चाहिए, सभ्यता उसका आवरण होना चाहिए। उसको ऐसी शिक्षा दें अगर हम, तो उसमें इतना ज़्यादा जज्बा, जुनून होगा कि पूरा विश्व उसे देखेगा। मैं भी छोटे से सोचती थी मैं क्या बनूंगी, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन आज मैं बताना चाहती हूँ, मेरे सामने मेरा सपना, जब मैं दिल्ली में थी, मेरे नाना जी सांसद थे, मैं विज्ञान भवन गई, मैंने आदरणीय माननीय सोनल मानसिंह जी का नृत्य देखा, सब अप्रिशिएट कर रहे थे। हमारी भारतीय संस्कृति में सोलो करना बहुत कठिन होता, बहुत सारी विद्या सेव करनी पड़ती है, बहुत पसीना लगता है रोज। तो तभी से मैंने ठान लिया था कि नहीं, मैं कुछ नहीं बनूंगी, अब आगे चल के मुझे सोलो क्लासिकल डांसर बनना है। और मैं भोपाल आई और ये शिक्षा मेरी शुरू हुई, मुझे स्कॉलरशिप मिली, 8-8 घंटे मैंने सीखा। लेकिन फिर हम भारत में हैं, हमारे बॉडी हमारे हाथ में नहीं है, हम दूसरे के घर में जाते हैं तो हमें उस परिस्थिति में ढालना पड़ता है खुद को। मेरा 14 साल डांस बंद हो गया, मैंने
अपने परिवारजनों की सेवा करी, कोई बेड रिडन है, किसी को कोई तकलीफ है, मुझे खुद को मेरी एक किडनी खराब मालूम पड़ा कि मेरी एक किडनी तो खराब है, काम ही नहीं कर रही है, जबकि मैं स्कॉलरशिप में 8-8 घंटे मेहनत करके 1988 में भारत महोत्सव करके आई थी, तो मुझे लगा अब क्या होगा मेरा, क्योंकि मेरे माँ बाप ने तो मुझे जो मेरी इच्छा थी वो करने दिया और मैं भी जुनून के हद तक जाके उसको सेव किया बॉडी में, पर अब क्या होगा। पर दुख होता है क्योंकि डांस में एक दिन रियाज नहीं करो तो 16 दिन पीछे शरीर चला जाता है, शरीर भूलता है, जो हमारे शरीर में सेव है वही हम 2 घंटे दिखाते हैं सबको कि हमारी भारतीय संस्कृति को देखिए आप, अब क्या होगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम भारत के हैं, हम में जज्बा है, हमारे यहाँ वीरांगनाएं पैदा हुई हैं, जब हमें मौका मिलेगा हम आगे बढ़कर खेलेंगे, अपनी दूसरी पारी से इतिहास रचने की कोशिश करेंगे, हम देश के लिए पैदा हुए हैं, अभी हम परिवार को साथ देंगे। मैंने परिवार को साथ दिया, सब कुछ अच्छा हुआ, उसके बाद परिवार ने भी देखा किसने इतनी कठिन चीज छोड़ के हमें सपोर्ट किया, तो उन्होंने भी 4 गुने जोश से मेरा साथ दिया और मैंने भी हौसलों की उड़ान भरने के लिए 2005 में सुनामी जब आया था तब पीएम राहत कोष में उसके लिए चैरिटी की, मैंने पहला प्रोग्राम किया और अभी तक लगभग सैकड़ों प्रोग्राम कर चुकी हूँ, और इस सब का श्रेय जाता है हमारी तकलीफ को। तकलीफ क्या, जो हमने सीखा भारत में, जब हम दूसरे के घर जाते हैं तो हम वो नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमने सीखा है, हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है, विद्या हमेशा सेव रहती है, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है बस, फिर जब हमें मौका मिले तो हमें दोबारा उड़ना चाहिए और सबसे ऊपर देखना चाहिए कि उस विद्या में जो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं पुरुष वर्ग हो तो भी, कि हम उनसे ज़्यादा अच्छा कैसे करें। अगर हमारे विद्या में 5 ब्रांचेस हैं तो वो 5 पुरुष को देख के वो 5ों विद्या हमारे अंदर आनी चाहिए, इस जुनून के साथ। सबके अपने अपने सब्जेक्ट होते हैं, तो जो सब्जेक्ट हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया है, पढ़ाई दी है, उसे लेके चलें और साथ में अपने ससुराल अपने परिवार को भी लेके चलें, क्योंकि आगे आपको मौका मिलेगा तो सब आपके साथ खड़े होंगे, आप अकेले नहीं होंगे उस वक्त। उस वक्त फिर आप दोबारा उड़ान भरिए और अपने देश की सभ्यता को झांकिए, पीछे इतिहास को देखिए और देशभक्ति का सहरा बांध के फिर से कूद जाइए देश का नाम करने में। और यही किया मैंने, और अभी तक कितने सारे फेस्टिवल्स किए, भारत महोत्सव किए, मैक्सिको गई अभी, 10-10 हज़ार ऑडियंस थी वहाँ पे, मैंने भारत की संस्कृति को रिप्रेजेंट किया जो मेरा सपना था, और वो सपना मैंने इनके डांस को देख के शुरू किया था। कितनी बड़ी बात है, ये सब मेरे लिए भाग्य कहना चाहिए कि मेरा जीवन सफल होता है, कि जो हम सोचते हैं वो कंप्लीट होता है, ऐसा आज इस संस्था ने, भारतीय विचार न्यास संस्था के जरिए आज रूबरू में होकर आपको अपने जज्बात से अवगत करा पाई। मैं तो कुछ नहीं हूँ जो बोल पाऊँ, क्योंकि मैं तो डांसर हूँ, अपनी मेरी भाषा ही अलग है, घुंघरू। अरे हाँ, घुंघरू, मैंने देखा कि घुंघरू फुट परकशन, पैरों से बजाने वाला वाद्य और मुंह से बजाने वाला वाद्य, हाथ से बजाने वाला वाद्य, लेकिन देखा कि अरे पैरों से बजाने वाला तो पूरे विश्व में कोई वाद्य नहीं है। तो जो कथक के फुटवर्क 2 मिनट 2.5 मिनट के होते थे उस पर मैंने रिसर्च किया, तबला, फखावज, मृदंग, जो भी ताले हैं, लय हैं, छंद हैं, उनके पेशकार, कायदे, गते, रेले, उनको अपनी बॉडी में उतारा। मैं चल नहीं पाती थी क्योंकि घुंघरू 2-2, 2.5-2.5 किलो के होते, उनसे 2-2 घंटे रियाज किया और फिर मैंने घुंघरू वादन बनाया, एक ही स्थान पर खड़े होके जैसे तबले वाले तबला बजाते हैं, मैंने पूरा घुंघरू से 1.5 घंटे के कॉन्सर्ट वहाँ दिए जहाँ नृत्य अलाउड नहीं था, प्योर म्यूजिक फेस्टिवल्स में, जैसे बाबा हरवल्लभ संगीत समारोह, अपने संस्कार भारती का बैजू बावरा राष्ट्रीय नृत्य समारोह, कालिदास फेस्टिवल नागपुर का, जलगांव का बाल गंधर्व संगीत महोत्सव, इस तरह के अनेकों प्रोग्राम में घुंघरू की शक्ति, हमारी घुंघरू ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, उस पैजनिया को विश्व स्तर पर मैं लेके गई। क्यों? क्योंकि उसमें गणित है, फुट माइक सामने रखा है, गणित की लय ताल वो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो ये एक औरत का दिमाग कर सकता है अगर शार्प हो और उसमें जज्बा हो मेहनत करने का। तो आप सभी से मेरा आग्रह है और हाथ जोड़ के विनती है कि जो भी नन्हे नन्हे बालिकाएं या बालक हमारे यहाँ हैं, उनको हमारी भारतीय संस्कृति से अवगत कराएं, हमारी सभ्यता से,
हमारे विद्या से, हमारे देश के हुनर से, ताकि आगे चल के और तरक्की, तेजी, सब कुछ उसका रिजल्ट आपको मिले जैसे मुझे मिल रहा है जब मैं देखती हूँ लोगों को। तो मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी को। थैंक यू।